हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो MNS जो एग्जाम है, ठीक है, यानी कि जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए जो MNS एग्जाम करवाया जा रहा है, ठीक है, जिसके अंदर मिलिट्री के अंदर आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है, तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ चुका है, यानी कि फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। कौन सी जो लिंक है उससे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो MNS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, कौन सी एजेंसी करवा रही है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से यहाँ पर जो एग्जाम है वो आपको करवाया जाएगा। पब्लिक नोटिफिकेशन आपको 6 दिसंबर को यहाँ पर जारी किया गया था। सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ठीक है, यानी कि MNS के जो एग्ज़ाम है उसके लिए यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशन नोटिस है वो निकाला गया है, ठीक है, नोटिस यहाँ पर दिया गया है कि आपको कब से अप्लाई करना है। तो सबसे पहले डायरेक्टली चलते हैं और आपका CBT एग्ज़ाम कब होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो द एग्जामिनेशन विल बी कंप्यूटर बेस्ड, यानी जो आपका CBT एग्ज़ाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए वो 14 जनवरी यानी 14 जनवरी 2024 को आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है, जिसमें जो एज लिमिट आपकी रहेगी 21 ईयर से लेकर 35 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, जो कैंडिडेट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर एग्जाम देना चाहते हैं उन कैंडिडेटों की जो एज लिमिट है 21 से लेकर 35 ईयर तक होनी चाहिए। उसका जो एग्जाम होगा वो होगा 14 नवंबर को, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आपको शेड्यूल दिया गया है, शेड्यूल ऑफ द एग्जामिनेशन एक्टिविटी, कौन कौन सी आपको एक्टिविटी शेड्यूल एग्जामिनेशन आपको यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके होंगे। देख लीजिएगा, 11 दिसंबर से जो फॉर्म है उनकी स्टार्टिंग होगी और 26 दिसंबर तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। इस चीज़ का आप जान रहे हैं, यानी कि MNS का जो आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करेंगे वो करेंगे 26 दिसंबर, ठीक है, 26 दिसंबर तक आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद में देख लीजिए, लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि आपको 26 दिसंबर को ही अपना पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेना है, यानी कि आपको कंप्लीट अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको 26 दिसंबर तक आपको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपको जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर आपके एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आपका CBT एग्जाम 14 जनवरी को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद में रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट आपको NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम का ड्यूरेशन रहने वाला है वो रहने वाला है 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का आपका यहाँ पर ड्यूरेशन रहेगा। टाइम 10 से लेकर 12:30 बजे के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है NTA का एग्ज़ाम वो करवाया जाएगा। आपका कैंडिडेट को कहाँ से अप्लाई करना है ये जानना बहुत ही जरूरी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला है, ठीक है, इसके अंदर आपको कहाँ से अप्लाई करना है, तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है MNS के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वो है exam.nta.ac.in क्या है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जो एग्ज़ाम देना चाहता है वो इसकी इस वेबसाइट पर जाए और इस वेबसाइट पर जाकर अपना जो MNS का एग्ज़ाम है वो अप्लाई कर दे। अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट है तो क्लियर कर सकता है, बाकी आज जितना संभव हो सके, जितना जल्दी हो सके, आप अपना जो MNS का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था कि कब से कब तक आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई किए जा रहे हैं, ठीक है, कितना टाइम लगने वाला है, एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, सारी चीजों के बारे में मैंने एक एक तरीके से आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी कैंडिडेट को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां से जाके आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय